अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर वन का मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ जो कि चैप्टर नंबर 5 सिस्टम सॉफ्टवेयर का लास्ट टॉपिक है, विच इज 5.4, यानी कि पांचवें चैप्टर का चौथा छोटा सा टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या नाम है बेटा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अच्छा, सबसे पहले हम जरा ये बात कर लेते हैं कि भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमने वो लेवल में ही पढ़ा है कि तीन तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं आपके पास, है ना। थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज। और तीसरी कौन सी होती है बेटा? मशीन लैंग्वेज। तो तीन तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपके पास। पहली का नाम है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी का नाम है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज इजीली अंडरस्टैंड बाय यूजर। तो मैंने यहाँ पे यूजर को बना दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना वो यूजर आसानी से समझ लेता है। नेक्स्ट होती है बच्चों असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी यूजर ही अंडरस्टैंड करता है, बट असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय यूजर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आसानी से जो समझ आती है यूजर को वो तो हाई लेवल लैंग्वेज है, बट डिफिकल्ट वे में, यानी कि मुश्किल तरीके से, मतलब उसको समझ तो आती है बट हर किसी को समझ नहीं आती। तो डिफिकल्ट जो होगी ना, जो यूजर को डिफिकल्ट लगेगी, वो कौन सी होगी बेटा? असेंबली लैंग्वेज। नंबर थर्ड जो आपके पास होती है वो होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज, और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं बेटा? मशीन लैंग्वेज। तो अ लैंग्वेज विच इज इन जीरोज एंड वन, ये लैंग्वेज जीरोज और वन के अंदर होगी। इट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड बाय, इट कैन ओनली बी अंडरस्टैंड बाय, ये अच्छा वर्ड होगा, इट कैन ओनली बी अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। सो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, बट इंसान तो दो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है बेटा। कौन कौन सी? यूजर कैन, या ह्यूमन कैन इजिली अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज, और ह्यूमन कैन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है बेटा, जो बिल्कुल इंग्लिश की तरह होगी ना, जो बिल्कुल क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश होगी, जिसमें हम बेटा हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं। जब हम पेपर टू पढ़ते हैं तो पेपर टू के अंदर बच्चों पाइथन पढ़ाता हूँ ना मैं आपको, पाइथन या सूडो कोड। सही है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज। विजुअल बेसिक में बच्चे कोड लिखते हैं, यस। विजुअल बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यस। तो विजुअल बेसिक इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा अब बच्चे बोलेंगे सर एच टी एम एल क्या है? बेटा एच टी एम एल इज नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एच टी एम एल इज अ मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो आउट हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन में, क्योंकि देखो यूजर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ आती है बट यूजर को मशीन नहीं आती, तो यूजर तो बेटा मशीन से बात करेगा ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर का नाम है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो बेटा हाई को मशीन में ट्रांसलेट करने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबली को मशीन में ट्रांसलेट करने वाला भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही हो। तो बच्चों बताओ लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होगा? अ प्रोग्राम विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज, या असेंबली लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज यूजर को इजिली अंडरस्टैंड होती है, असेंबली लैंग्वेज यूजर को मुश्किल से अंडरस्टैंड होती है। गॉट इट? बट कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। सही है, तो बच्चों अब मैं आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ाता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कोई नहीं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो बहुत आसान है। उससे पहले जरा कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है, वो देखो बच्चों, जब भी तुम हाई लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में, देखो यूजर तो दो ही लैंग्वेज समझ रहे हैं ना, एक है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और एक है असेंबली लैंग्वेज। मैं ये कोड लिख रहा हूँ हाई लेवल लैंग्वेज का, एच एल एल का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पाइथन का कोड लिख दिया। हाँ, मैंने कहा भाई एक्स इक्वल्स टू इनपुट, ये पाइथन में कोड लिख रहा हूँ। फिर मैंने कहा एक्स प्लस वन, फिर ठीक है मैंने कहा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और बच्चों मैंने प्रिंट करवा दिया पाइथन में ब्रैकेट में वाई प्रिंट करवा दिया। ठीक है ना बच्चों, ये जो तुमने कोड लिखा है ना,
ये कोड हाई लेवल लैंग्वेज में तो है, और एक्चुअल में आप इस कोड को क्या बोलते हो, सोर्स कोड। आप इस कोड को एक्चुअल में एक न्यू टर्मिनोलॉजी दे दी, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सोर्स कोड। अ प्रोग्राम रिटन ऑन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। बच्चों सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, सोर्स कोड से इसको हमें मशीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर मैं इसका रिजल्ट देखूंगा आउटपुट स्क्रीन, तो वो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, क्योंकि मशीन कोड जो मशीन अंडरस्टैंड करेगा वो जीरो और वन के अंदर करेगा, है ना। तो ये जो जीरो और वन की इंस्ट्रक्शन है, ये बच्चों मशीन कोड, और मशीन कोड वाला जो कोड होता है वो होती है आउटपुट स्क्रीन, और आउटपुट स्क्रीन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कोड। तो एक्चुअल में योर हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विल बी कन्वर्टेड टू द ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि योर सोर्स कोड, यानी कि नाम मैंने दिए ना, योर सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो भाई ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कोई तो बीच में आ रहा होगा, जो कन्वर्टर होगा। यस, उस कन्वर्टर का नाम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उस कन्वर्टर का नाम क्या होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उस कन्वर्टर का नाम होता है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर द प्रोग्राम विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। बोलो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर द प्रोग्राम विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। और बच्चों लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन टाइप के होते हैं। पहली टाइप होती है कंपाइलर, पहला जो होता है वो होता है कंपाइलर। बच्चों जो दूसरा होगा वो होगा इंटरप्रेटर, कंपाइलर इंटरप्रेटर। और बच्चों जो तीसरा होगा वो होगा असेंबलर, ठीक है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर देयर। तीन तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, तीसरा है क्या, असेंबलर। गॉट इट, कोई मसला तो नहीं है बेटा। चलो मुझे बताओ, हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी मैं कोड लिखूंगा वो क्या कहलाएगा, सोर्स कोड। और वही सोर्स कोड जब मशीन कन्वर्ट करके आउटपुट स्क्रीन दिखाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कौन लेके जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने तरीके के हैं, तीन, कौन कौन से, कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। बच्चों ये जो तुमने ऑब्जेक्ट कोड बनाया है, इस ऑब्जेक्ट कोड को एक फाइल में स्टोर कर दो, इस ऑब्जेक्ट कोड को एक फाइल में स्टोर कर दो। वो जो तुम ऑब्जेक्ट कोड को एक फाइल में स्टोर करोगे, वो जो फाइल बनेगी ना, जो बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, उस फाइल का नाम होगा ऑब्जेक्ट फाइल। क्या नाम होगा, ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल का एक और नाम होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। कौन सा नाम बेटा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो एक्चुअल में आप अगर अपने ऑब्जेक्ट कोड को परमानेंटली स्टोर करा देते हो, ताकि बार बार इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़े, तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट कोड को परमानेंटली एक फाइल में स्टोर करा दोगे, तो उस फाइल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट फाइल। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट फाइल। गंदा कर दिया मैंने, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट फाइल सबको समझ आ गया है, यस और नो? यस, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर द प्रोग्राम व्हिच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। और ये जो ऑब्जेक्ट कोड होगा ये एक्चुअल में स्टोर कराती है किस में, एक ऑब्जेक्ट फाइल में, सही है। कोई मसला तो नहीं है। चलो बच्चों अब इसकी जरा फॉर्मल चीजें लिखवाते हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, जरा देखिएगा। आइए बच्चों ये देखें, ये मैंने एक आपको पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ, जरा देखें। ऊपर सबसे आपके पास क्या है बेटा, यूजर, यूजर के करीब है हाई लेवल लैंग्वेज, तो यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये है कंप्यूटर, कंप्यूटर को बेटा मशीन लैंग्वेज समझ आती है, तभी मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है बेटा। यूजर से दूर कौन है, असेंबली लैंग्वेज, तो यूजर कैन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। अच्छा बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज को, बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज को जब देखना, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन में जाने के लिए एक तो कंपाइलर हो गया, यानी कि सी हो गया, है ना। यानी कि हाई को मशीन में ले जाने के लिए कंपाइलर होता है सी। बच्चों हाई को ही देख रहे हो, मशीन में ले जाने के लिए एक और ट्रांसलेटर है, और उसका नाम है क्या, इंटरप्रेटर। क्या नाम है, इंटरप्रेटर। दैट मींस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करने के लिए वी हैव कंपाइलर, और हाई लेवल लैंग्वेज को ही मशीन में ट्रांसलेट करनी है, वी हैव अनदर ट्रांसलेटर विच इज इंटरप्रेटर। दोनों के काम एक ही है यार, ये क्या बात हुई, दोनों के काम एक ही है। हाँ बेटा दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कैसे, कंपाइलर पूरी प्रोग्राम को वन गो में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। वन गो का मतलब क्या है, पूरी बात को एक साथ ट्रांसलेट करेगा। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, हर लाइन को ट्रांसलेट करेगा।
इंटरप्रेटर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज वन लाइन एट अ टाइम। बोलो क्या? वन लाइन एट अ टाइम। बोलो क्या? वन लाइन एट अ टाइम। तो कौन सा फास्ट होगा बेटा? कंपाइलर। कौन सा स्लो होगा? इंटरप्रेटर, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कर रहा है। बट बिगिनर प्रोग्रामर जो होंगे ना, नन्हे काके, उनको हम बोलेंगे कि तुम लाइन बाय लाइन काम करो, यानी कि इंटरप्रेटर से ट्रांसलेट करो। एक्सपर्ट लोगों को बोलोगे कि तुम्हें अगर सब आता है तो तुम बेटा कंपाइलर पे काम करो। एक बार बता दूं, कंपाइलर में अगर कहीं पर भी किसी भी लाइन में मिस्टेक आ गई ना, यानी कि अगर 10 है, 20 है, 30 है, 40 और 100 लाइन लिखी हुई, 100 लाइन में से कहीं पर भी अगर कोई एरर आ जाएगा तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करेगा। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज कोड को वन गो में ट्रांसलेट करता है। अगर एरर मिल जाएगा तो वो बोलेगा एरर है, जाओ खुद ढूंढो। बट इंटरप्रेटर, अगर ये सब लाइनें होगी ना, तो इंटरप्रेटर उस लाइन तक ट्रांसलेट करेगा और उस लाइन में बोल देगा कि भाई एरर है, लाइन नंबर 30 में आप जाके देख लो। तो इंटरप्रेटर ज्यादा बिगिनर प्रोग्रामर के लिए इस्तेमाल होगा। बट अगर आप स्पीड पे जा रहे हो, फास्ट पे जा रहे हो, तो क्या करोगे? कंपाइलर। तो बच्चों, हाई को मशीन में ट्रांसलेट करने के लिए वी हैव टू ट्रांसलेटर, कंपाइलर जो वन गो में करेगा, इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन करेगा। ठीक है, आप आ जाओ बेटा। यूजर एक और ट्रांसलेटर, यूजर एक और लैंग्वेज को समझता है, वो है असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली से मशीन में जाना है तो हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो कहलाता है असेंबलर। क्या कहलाता है? असेंबलर। असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली इनटू मशीन, असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली इनटू मशीन। गॉट इट बच्चों? तो तीन ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। बोलो कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। बोलो कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ठीक है, चलिए बेटा, ये सब बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं, जरा देखिएगा। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में लिखा कि हाई लेवल लैंग्वेज एक इजी वे टू अंडरस्टैंडिंग। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूजर जो है वो आसानी से समझता है, उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं। फिर बच्चों, मैंने असेंबली के बारे में बताया, मैंने कहा असेंबली जो है वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है और असेंबली में निमोनिक्स होते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया कि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 आते हैं। अब एक और बात आपको बता दूं कि बेटा, अगर आप एक को हाई बोलोगे तो बाकी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो द लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो द लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो यूजर को समझ आएगी, और लो लेवल लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, या लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो द असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। ये रहा बेटा, देख लो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर द प्रोग्राम विच कन्वर्ट सोर्स कोड इन टू ऑब्जेक्ट। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, देख लो आप लोग। बच्चों, एग्जाम में एक सवाल आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। एग्जाम में सवाल ये आया, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हमने कहा टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म का मतलब मशीन लैंग्वेज। ये पास पेपर में आ चुके हैं कि व्हाई डू वी यूज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हमने कहा टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इनटू डिफरेंट फॉर्म। बच्चों, तीन तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, कंपाइलर। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में इन वन गो। इसमें कोई मसला ही नहीं है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। दूसरा बेटा, कंपाइलर से एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस होगी। देखो मैंने लिखा है ना, कंपाइलर कैन मेक ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल अभी पढ़ाया था। ठीक है, कंपाइलर प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन मशीन कोड में कन्वर्ट करके देता है। फिर मैंने कहा कंपाइलर से जो कॉपीज बनेगी उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल में आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने कहा था सोर्स प्रोग्राम इज रिटन इनटू हाई लेवल लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल इज प्रोड्यूस। ये बात तो मैंने यहाँ पर भी बताई। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंपाइलर के बारे में कुछ पॉइंट है, फिर मैं इंटरप्रेटर कराऊंगा, फिर असेंबलर कराऊंगा। चलिए बच्चे, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं इंटरप्रेटर पे। जरा देखिएगा, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, बट ईच लाइन एट अ टाइम, या लाइन बाय लाइन करता है। इंटरप्रेटर बेटा एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस नहीं करता। एग्जीक्यूटेबल फाइल याद है ना, मैं दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या था कि जब तुम ऑब्जेक्ट कोड बनाओगे, वो ऑब्जेक्ट कोड को कहीं पे स्टोर करा लेना, ताकि बार बार लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन बच्चों, क्योंकि इंटरप्रेटर हर लाइन को एक दफा कर रहा है, तो इंटरप्रेटर इस ऑब्जेक्ट फाइल को या एग्जीक्यूटेबल फाइल को नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई वेब पेज पे क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्ट है, क्लाइंट सर्वर का मतलब होता है कोई जावा स्क्रिप्ट वगैरह है, तो जावा स्क्रिप्ट हर लाइन को लाइन बाय लाइन चलाएगी, और लाइन बाय लाइन चलाने वाला क्या होता है? इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर जो है वो इंटरप्रेटर जब भी ट्रांसलेट करेगा तो सोर्स कोड उसको चाहिए होगा। ठीक
क्योंकि वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में रखते ही नहीं, ऑब्जेक्ट फाइल का कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो मैंने कहा इंटरप्रेटर ऑलवेज नीड द सोर्स कोड एट द रन टाइम, बट जो कंपाइलर होगा अगर उसने ऑब्जेक्ट फाइल बना के रख ली होगी तो बार बार सोर्स कोड की जरूरत नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है द सोर्स कोड एंड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर मस्ट बोथ बी इन द मेन प्रोग्राम एट द लोकेशन। ठीक है, क्योंकि इंटरप्रेटर बेटा, इंटरप्रेटर ये नहीं कहता कि आप सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके रख लो ऑब्जेक्ट फाइल में, नहीं, इंटरप्रेटर कहता है कि भाई तुम भी रहो मैं भी रहूँ, हर लाइन को वन बाय वन चलाएंगे। ठीक है, और जो थर्ड ट्रांसलेटर हमारे पास है असेंबलर। ठीक, आइए असेंबलर में आपको मैं इतना बता दूं कि असेंबलर एक्चुअल में कंप्यूटर से बहुत करीब होता है। कंप्यूटर से करीब होने का मतलब क्या है, असेंबलर के अंदर प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन लाजमी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, असेंबलर ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर ट्रांसलेट करेगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर में बच्चों एक होता है ऊप कोड और एक होता है ऑपरेंड। वो बच्चे जिन्होंने मुझसे असेंबली लैंग्वेज पढ़ी होगी उनको पता होगा ऊप कोड और ऑपरेंड क्या होते हैं। ठीक है, ऊप कोड का मतलब होता है कैसे इंस्ट्रक्शन चलेगी और ऑपरेंड का मतलब होता है कहाँ पर इंस्ट्रक्शन को चलाना है। ठीक है, ऊप कोड और ऑपरेंड आप असेंबली लैंग्वेज में कवर करें। अगर आपने असेंबली लैंग्वेज नहीं करेगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर असेंबली लैंग्वेज का पूरा लेक्चर है, उसमें असेंबली लैंग्वेज के बारे में ऊप कोड ऑपरेंड डायरेक्टिव मैक्रो वैक्रो सब होगा। ठीक है बेटा, असेंबलर दो टाइप के होते हैं, एक होता है वन पास और एक होता है टू पास। सिंपल है, वर्ड को देखते समझ जाओ, अगर किसी चीज को एक ही गो में ट्रांसलेट कर दो, वन गो में, हाँ, असेंबलर विच कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज इन वन गो, वो क्या कहलाएगा, वन पास। टू पास में क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज को आधी एक इंस्ट्रक्शन में करेंगे, ये होगा वन पास, फिर दोबारा आधा करेंगे, तो ये टू गो में होगा ना, टू गो में होने वाला क्या कराएगा, दो दफा पास देना, टू पास असेंबलर। ठीक है, तो बच्चों अगर असेंबली लैंग्वेज को मशीन में एक ही दफा में फॉरन से कर देंगे वो कराएगा वन पास, और अगर असेंबली लैंग्वेज को पहले इंटरमीडिएट कोड बनाए, यानी कि असेंबली को डायरेक्ट मशीन में नहीं करें, पहले इंटरमीडिएट कोड लिखें, इंटरमीडिएट का मतलब आधा कोड, और फिर उस आधे को मशीन कोड में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो दैट इज द असेंबलर। ठीक है बच्चों, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। असेंबलर में प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट लाजमी होंगे, असेंबली लैंग्वेज में एक ऊप कोड होता है और एक ऑपरेंड होता है। असेंबली लैंग्वेज, सॉरी, असेंबलर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं बेटा, एक होता है वन पास जो फॉरन से हो जाएगा और एक होगा टू पास जो वो होगा। बच्चों असेंबलर पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है वन पास और टू पास, उसको डिटेल में आराम से जाके देखिएगा, यहाँ पर मैं नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आज देखो मैंने बोला बना कि यूज ऑफ असेंबलर इज ऑलरेडी इन चैप्टर नंबर 6, तो परेशान ना हो। आओ बेटा, मैंने कहा असेंबलर सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट लो लेवल, लो लेवल का मतलब है असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड फॉर प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट, क्योंकि ये कंप्यूटर को देना होता है, तो ये लाइन लाजमी लिखेगा फॉर प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट। फिर मैंने कहा असेंबलर के अंदर हर इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होंगी, ऊप कोड और ऑपरेंड। ठीक है, दो तरीके के ट्रांसलेटर हैं, ये भी देख लो आप बेटा, एक है वन पास असेंबलर, वन पास असेंबलर क्या कर रहा है, ट्रांसलेट इन वन गो, देख लो अंग्रेजी भाई। टू पास असेंबलर क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है इंटरमीडिएट फाइल में एंड देन कन्वर्ट बैक टू द ऑब्जेक्ट फाइल। बच्चों चलो बच्चे ये भी देख लो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में डायरेक्ट नहीं कर रहा, बीच में आधी फाइल बना के रख रहा है, उसको बोल रहे हैं लिंकर। एग्जाम में एक सवाल आया, देखो तीनों ट्रांसलेटर करा दिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। एग्जाम में सवाल आता है बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंटरप्रेटर बताओ, हमने कहा भाई इजियर टू डीबग है क्योंकि हर लाइन के अंदर वो आपको बताता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज में भी, हाँ मतलब अगर आप किसी लाइन में चेंज करोगे तो उसी लाइन के अंदर फॉरन से इमीडिएटली वो आपको चेंज बता देगा। तीसरा, पार्ट ऑफ प्रोग्राम कैन ऑल्सो भी टेस्टेड, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट ऑफ प्रोग्राम रखा हुआ होगा उसको मैं हर लाइन के अंदर चेक करता हूँ। ठीक है बच्चों, सो ये एक पास पेपर का सवाल आया है, इसको भी देख लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कह रहा है वो कौन सा ट्रांसलेटर है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करेगा, तो मैंने कहा कंपाइलर। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है द सॉफ्टवेयर रीड ईच स्टेटमेंट एंड चेक इट बिफोर रनिंग, द सॉफ्टवेयर हॉल्ड व्हेन इट इनकाउंटर्स एन एरर। बच्चों वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें जैसे ही एरर मिलेगा वो रुक जाएगा, वो है इंटरप्रेटर। चलिए, फिर मैंने कहा था वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना होता है, वो होता है बेटा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज को दो ही लोग ट्रांसलेट करते हैं, इट कैन बी कंपाइलर, इट कैन बी इंटरप्रेटर। बट लो लेवल लैंग्वेज को, लो लेवल का मतलब है असेंबली, बच्चों असेंबली को मशीन में ट्रांसलेट करने वाला तो कोई भी नहीं है, सिर्फ असेंबलर ही है, ये बात को जरा समझिए।
यहाँ लो लेवल लिखा हुआ है, और मैंने आपको पढ़ाया है कि लो लेवल का मतलब है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली को मशीन में ट्रांसलेट करने वाला असेंबलर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ हाई लेवल, भाई हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है, तो एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर, गॉट इट। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पास पेपर में आ चुका है, 3 मार्क्स का आया था मई जून 16 के अंदर। एक और सवाल जो एग्जाम में आ चुका है वो भी मई जून 16 में आया था, ये बहुत कम पूछा जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो आप क्या बोलोगे? टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इंटरप्रेटर के फायदे बताएं, अभी आपने दो फायदे बताए, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अलावा जो एक और होगा वो क्या होगा? असेंबलर। क्या होगा? असेंबलर, ठीक है। तो बच्चों ये दो सवाल हैं, ये दो सवाल फिर अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। और चैप्टर नंबर 5 यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको आज लैंग्वेज ट्रांसलेटर पूरा करवा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कोई भी मसला मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिए। ये जो मेरा पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक का पीडीएफ आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं पूरा पीडीएफ।